हेलो दोस्तों, मैंने अपने छत में पौधों की क्लीनिंग शुरू कर दी है और ये जो पाउंड था फ्रेंड वो दूसरी जगह में था, मैंने यहाँ पे ला के रख दिया है और कुछ पौधों को यहाँ पे ऐसे रखा है। ये है पेंटास का प्लांट और इनको यहाँ पे रखा है। तो धीरे धीरे क्लीन करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। और कोलियस को यहाँ पे रखा है, फ़िलहाल अभी यहाँ पे रखा है। गुलाब के पौधे को जो उनका लोकेशन होता है, यानी कि गर्मी के टाइम पे थोड़ी छाई वाली जगह में रखना पड़ता है और सर्दी के टाइम पे ऐसी जगह रख लें जहाँ एक दो घंटे की धूप आती हो। तो अभी तो बरसात का मौसम है, इसलिए मैंने क्या किया है, इनको दूसरी जगह में शिफ्ट कर दिया। ये नेट के नीचे थे तो इनको बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही थी। सारे पौधे मेरे बिखरे से पड़े हैं फ्रंट पूरे छत में और मैं कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द इन काम को निपटा लूँ, क्योंकि बारिश का कोई ठिकाना नहीं है। जब भी आ जाता है और तो पूरी मिट्टी इधर उधर बिखरी हुई रहती है। गुलाब के पौधे हो या फिर दूसरे पौधे हो, ये जगह बहुत सही रहता है जिस जगह में सुबह की धूप आती है। तो लेकिन धूप के टाइम पे जब समर का टाइम रहता है तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा धूप लगती है, इसलिए मैंने नेट के नीचे रखा था। तो अभी मैंने फ़िलहाल यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है और इसमें भी बहुत अच्छे से नई नई ग्रोथ आ रही है। और ये अलामांडा का, ये तो समर फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन अभी समर जा रहा है, फिर भी इसमें एक दो फूल खिल रहे हैं। ये जरबेरा का प्लांट है और मैं गुलाब वाले पौधे की जगह में ही इसको भी रखूँगी, क्योंकि इसके लिए भी बहुत ज़्यादा सही रहता है जहाँ पे हल्की सी धूप आती है सुबह की, लेकिन दिन भर की तेज़ धूप से हमें इसे बचाना है। तो इसकी भी बहुत अच्छी कंडीशन है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें पहले भी बहुत सारे फूल आए थे, अभी भी थोड़े से आ रहे हैं, तो मैं इसे भी वहीं पर शिफ्ट करने वाली हूँ। ये जो मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट मैं इस ऑयल कैन में लगाया था मैंने, अभी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है और इसकी बेल बहुत लंबी जा रही है, तो इसे कोई जगह देना पड़ेगा जहाँ पे इसकी बेल को मैं सही से रख पाऊँ। और ये है मेरा जत्रोफा का प्लांट फ्रेंड, ये मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मिलीबग का अटैक हो गया, अभी मुझे दिखा, तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी या फिर यहाँ से इसे एकदम से कट ही कर दूँगी, क्योंकि ये दो तीन चार ब्रांच यहाँ नीचे से निकालेगा तो अपने आप ये बहुत अच्छी ग्रोथ में आ जाएगा। और ये मेरे रियो के प्लांट, यहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत क्लीन कर रही हूँ, एक साथ सारे काम नहीं हो पा रहे हैं। ये मॉर्निंग ग्लोरी के छोटे छोटे बेबी प्लांट थे फ्रेंड, जो अपने आप निकल जाते हैं इधर उधर से। और ये है पॉलका डॉट, शायद इसका सीड यहाँ पर गिरा होगा और यहाँ पर इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं। ये जो है फ्रेंड, ये मॉर्निंग ग्लोरी का जो मैंने पहले पौधा लगाया था उसकी बेल है, सूख गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे सीड हैं। अगर इतने सारे सीड भी रहेंगे तो हमारे पास ढेरों पौधे बन जाएंगे। तो मॉर्निंग ग्लोरी का सीड जो होता है, सॉरी प्लांट जो होता है, बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस वाला होता है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और इस तरीके से अपने ढेरों सीड बन जाते हैं। यहाँ पे एस्पैरेगस, ये भी बहुत सारे सीड बना रहा है, जो ये पक गए हैं इसके सीड, ये आसानी से उग जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी बारिश बंद हो गई है, यानी रुक गई है, नहीं हो रही है, तो एकदम से पत्थर की तरह टाइट हो गई है इसकी मिट्टी। और अगर सही से इसकी केयर करूँ, अगर सही से मैं इसे अच्छे से फिर से पानी देना स्टार्ट करूँ, तो ये इतना हार्डी प्लांट है, ये फिर से अच्छे से ग्रो करने लगता है। और ये अलामांडा का प्लांट है, इसमें भी अंडर वाटरिंग हो गई है, सब में पानी देना पड़ेगा। और ये मॉर्निंग ग्लोरी, इसमें भी एक दो फूल आ रहे हैं फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।